नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स में। मैं करदम रावल आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ द हिंदू एडिटोरियल के एनालिसिस हिंदी के अंदर। तो आज जो है हम 30 अगस्त 2018 गुरुवार का द हिंदू न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल आर्टिकल्स है वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो हम कहते हैं वी बिलीव इन डिलीवरिंग एक्सेलेंस। तो क्या लाते हैं हम आपके लिए खास, चलिए दिखाते हैं। हमने 9 सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, एथिक्स, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन को मिला के, एनसीईआरटी के सब्जेक्ट्स को, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को मिला के यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए कंबाइन कोर्स डिजाइन किया है जो 300 आवर्स का है, जिसके अंदर 350+ लेक्चर्स है। और इसके साथ आपको दी जाती है 30 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जिसे आप अपने आप को एनालाइज कर पाओ, और हर महीने आपको मिलेगा मंथली करंट अफेयर का डोज। तो ये सारी चीजों की जो वैलिडिटी है वो बहुत ही लंबी है, और मार्केट में मिल रहे किसी भी कोर्स के मुकाबले ये सबसे ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, इसको आप एक्सेस कर पाओगे 2019 के यूपीएससी के मेंस तक, यानी कि प्रीलिम्स के बाद मेंस तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। और किसी भी वीडियो को देखना हो या फिर पीडीएफ को देखना हो तो इसके ऊपर कोई कैप नहीं है कि एक बार, दो बार, तीन बार, अनलिमिटेड टाइम यहाँ पर आप किसी भी चीज को एक्सेस कर पाओगे। गारंटी देते हैं कि आपके आसपास हो रहे ऑफलाइन क्लासेस के मुकाबले ये कई गुना बेटर चीज हम आपके लिए लेके आए हैं। यहाँ पर जो प्राइस है ये सबके लिए अफोर्डेबल अमाउंट है 3,999 रुपीज इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस, और दिस इज अ लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर। सो हरी अप, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी गई है, वहां पर आप क्लिक करके हमारे पोर्टल पर रिडायरेक्ट हो जाओगे, जहां पर आप अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस देते ही पेमेंट करने के बाद 10 मिनट के अंदर पूरे कोर्स को 2019 के मेंस एग्जामिनेशन तक एक्सेस कर पाओगे। तो यहाँ पर अगर आपको कूपन कोड प्राप्त करना है इस कोर्स के रिगार्डिंग तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। दिस इज द रोड मैप किस तरीके से ये चलेगा आज का वीडियो। आज के मंत्र से शुरुआत करेंगे मोटिवेशनल कोट के साथ, फिर देखेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन जहां पर होगा पिछले एडिटोरियल में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर और एक नया सा क्वेश्चन। उसके बाद आएंगे हम फन फैक्ट के अंदर जहां पर इंडिया का नाम किन्होंने रोशन किया है, ऐसे दो महानुभावों के नाम यहां पर है और उनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है जो करंट अफेयर्स के व्यू पॉइंट से बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद करेंगे एनालिसिस शुरू, द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस दो मुद्दों के ऊपर है। यहाँ पर भारत के अंदर महाराष्ट्र नामक स्टेट के अंदर पुणे के पास से 5 अलग अलग एक्टिविस्ट को जो है गिरफ्तार किया गया, और इसके साथ विभिन्न राज्यों के ये अभी अभी ये 5 लोग जो थे ये विभिन्न राज्यों से पकड़े गए हैं। तो ये काफी चर्चा में रहा है ये टॉपिक, और ये 5 एक्टिविस्ट, तो स्पेसिफिकली इन 5 के नाम नहीं बल्कि 5 की क्या एक्टिविटी थी, ये क्या ऐसा काम कर रहे थे जिससे कि समाज के ऊपर इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट हो रही थी, इन मुद्दों के ऊपर आज द हिंदू के अंदर एडिटोरियल आया है। तो इसको हम एनालाइज करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि पावर प्ले ऑन ट्रबल ऑफ द पावर सेक्टर। तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और कुछ बैंक्स यहाँ पर इंक्लूड है। तो पावर सेक्टर जो है ये काफी जो है डेप्रिसिएशन वाले माहौल के अंदर चल रहा है, यहाँ पर ये प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो दूसरी ओर इनको अपने लोन्स पे करने हैं वापस बैंक को, तो यहाँ पर ये समस्या जो है पहले पहुंची कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से ये मुद्दा चला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो यहाँ पर जो इस आर्टिकल को समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बैंक, आरबीआई, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और इंडियन माफ कीजिएगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ये सारी चीजें यहाँ पर सिंपल से एक आर्टिकल के साथ कनेक्ट होती है। उसके बाद करेंगे वोकैबुलरी का एनालिसिस, यानी कि यहाँ पर द हिंदू एडिटोरियल से और द हिंदू न्यूज़पेपर से आपके लिए 10 अंग्रेजी के नए शब्द लेके आते हैं हिंदी अर्थ के साथ। तो अनुवादक जो शब्द होते हैं ये आपके आंसर राइटिंग और ऐसा राइटिंग के अंदर आप इसको यूज करेंगे तो आपके जो है मार्क्स दूसरों के मुकाबले कंपेरेटिवली ज्यादा आने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो देखते हैं कि आज का मंत्र क्या है। अ कंफर्ट जोन इज अ ब्यूटीफुल प्लेस
बट नथिंग एवर ग्रोज देयर, यानी कि कंफर्ट जोन बहुत ही अच्छी जगह है, इसीलिए तो इसको कंफर्ट जोन कहते हैं। बड़ा मजा आता है आराम करने में, बैठने में, सोने में, टहलने में, टाइम पास करने में, टाइम वेस्ट करने में, लेकिन यहाँ से कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकलता है। तो अगर आपको कोई रिजल्ट्स चाहिए, कुछ अर्न करना है, कुछ अचीव करना है, तो आपको अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है, अपने सारे प्रोज एंड कॉन्स को ध्यान में रखना है, एनालाइज करना है, और अपने आप को बोल्ड, शार्प और एवर रेडी बना के रखना है। तब जाके आप अपने आप को कह पाओगे कि नहीं, दिस थिंग कैन बी पॉसिबल, इवन इफ इट इज नॉट देन आई कैन डू इट। तो इसके लिए जरूरी है कि अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए। क्वेश्चन आंसर सेशन, तो यहां पर हमने पिछले एडिटोरियल के अंदर पूछा था, इंडियाज फर्स्ट एवर टेस्ट फ्लाइट पावर्ड बाय बायोजेट फ्यूल वो सक्सेसफुली कंडक्टेड बाय विच एयरलाइन, इंडियन एयरलाइन, स्पाइसजेट, विस्तारा या फिर जेट लाइट। तो जेट लाइट आंसर नहीं था, कई लोगों ने कहा था जेट लाइट, द करेक्ट आंसर इज स्पाइस जेट। और यहाँ पर पिछले दोनों एडिटोरियल के मिला के जो हमारे कमेंटर्स है, ये है दीपांकर शर्मा, काजल कुमारी, सईद डाबिर, साजिया खान, सुमित जादव, अनु भटनागर और रोहित मौर्य, और इन सभी को मिलता है हमारे कोर्स के रिगार्डिंग कूपन कोड। आज का प्रश्न जो दिलाएगा आपको अपना नाम यहाँ पर दर्ज कराने का मौका और हमारे कोर्स के रिगार्डिंग कूपन कोड। तो देखिए आज का प्रश्न क्या है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द वेन्यू ऑफ द फोर्थ एशियन इलेक्टोरल स्टेट होल्डर्स फोरम AESF 4। तो इसके बारे में हमने फन फैक्ट में पहले डिस्कस किया हुआ है, तो आप अगर रेगुलर विजिटर है इस चैनल के तो आपको आंसर इजीली पता होगा, बैंकॉक, कोलंबो, न्यू दिल्ली या फिर बाली। सही जवाब दीजिए कमेंट में, हम आपका नाम यहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मोबाइल नंबर है वहां पर आप कॉल करके आप अपना नाम बता के कूपन कोड प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपको हमारा कोर्स अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर मिलेगा। देखते हैं फन फैक्ट यानी कि आज का ज्ञान। तो सत्य एस त्रिपाठी नामक भारत के एक मशहूर इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट जो यूएन ऑफिशियल भी रह चुके हैं, ये अपॉइंट हुए हैं एज एन असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल एंड हेड ऑफ द न्यूयॉर्क ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो ये भारत के लिए काफी खुशी वाली बात है कि भारत के इंडिविजुअल जो है यूएन के अंदर अपने देश का झंडा ऊंचा कर रहे हैं, उनका अपॉइंटमेंट हुआ है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के द्वारा। जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटरेस, उन्होंने किया है, और मिस्टर त्रिपाठी वो सक्सीड करेंगे एलियट हैरिस जो थे वेस्ट इंडीज के त्रिनिंदा और तबैगो के, और यहाँ पर उन्होंने वर्क किया था सिंस यूरो जो यूनाइटेड नेशन है उनके साथ, इन्होंने यूएन के अंदर 1998 तक इन्होंने काम किया यूरोप, एशिया, अफ्रीका, इन सभी कंट्रीज के अंदर। और यहाँ पर इन्होंने जो टॉपिक्स के ऊपर काम किया है, जो फील्ड है वो फील्ड है सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड लीगल अफेयर्स। तो अब जो है वो उनके डिपार्टमेंट को संभालने वाले हैं जिसका नाम है एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो यूएन का जो एनवायरमेंट वाला जो सेगमेंट है उसके अंदर लीडिंग एजेंसीज जो है वो वर्ल्ड बॉडी फोकस करती है सिर्फ एनवायरमेंट के ऊपर, एंड इट वर्क्स विद गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी एंड विद अदर यूनाइटेड नेशंस एंटिटी, एंड द मेन थिंग इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसके रिगार्डिंग यूएन को बहुत सारे फायदे भी मिलते हैं इन लोगों के सपोर्ट से। तो यहाँ पर सत्य एस त्रिपाठी के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके बाद है जो ये पार्ट टू है, इसको देखने के बाद आपके अंदर मोटिवेशन का पहाड़ आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है भारत के एक 53 साल के आदमी ने जो कर दिखाया है वो बेहद उम्दा है, और ये जो है दिल दहला देने वाली चीज है कि कोई इतनी एज के ऊपर इतना सारा कैसे कर सकता है। तो भारत के डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंगल जो है, जो महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस ऑफिसर थे, जो प्रेजेंटली नासिक के पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने सक्सेसफुली वर्ल्ड की टफेस्ट वन डे स्पोर्ट इवेंट कंप्लीट की है जिसका नाम है आयरन मैन ट्रायथलॉन।
तो यहां पर 15 घंटे और 13 मिनट के अंदर उन्होंने 17 घंटे के टाइम पीरियड में जो काम कंप्लीट करना है उन्होंने कर दिखाया है फ्रांस के अंदर 26 अगस्त 2018 को। तो पहले तो देखते हैं कि ट्राइथलोन के अंदर होता क्या है, क्या करने के बाद आपको इंटरनेशनल टैग मिलता है कि आप हो इस पृथ्वी के ऊपर के आयरन मैन। तो इसके लिए आपको 3.8 किलोमीटर स्विमिंग करनी है, उसके तुरंत बाद आपको 180 किलोमीटर साइकिल चलानी है, उसके तुरंत बाद आपको 42.2 किलोमीटर दौड़ के जाना है जिसको फुल मैराथन बोलते हैं। और इस सभी चीज को करने के लिए आपके पास होते हैं केवल 17 घंटे। 17 घंटे के अंदर अगर आप ये कर सकते हो और ये आप करके दिखा देते हो पूरे विश्व को, तो आप हो भारत के नहीं बल्कि पूरे विश्व के आयरन मैन। तो यहां पर जो है हमारे अफसर साहब रविंद्र कुमार सिंघल तो 53 ईयर्स की एज के हैं, इन्होंने ये इल्काब जीता है 15 घंटे और 13 मिनट के अंदर ये सारी चीज कंप्लीट करके। तो भारत के इससे पहले कौन कौन से लोग थे जिन्होंने ये अचीव किया था, मॉडल जो थे और एक्टर भी थे हमारे मिलिंद सोमन, उन्होंने ये जो है ये कंप्लीट किया था 2015 में। उनके अलावा भारत की एक फीमेल भी है अंजू खोसला, जिन्होंने 52 ईयर्स की एज के अंदर ये सारी चीजें की है, जो एक ओल्डेस्ट इंडियन वुमन है और इनको आयरन मैन ट्राइथलोन का भी खिताब मिला है ऑस्ट्रिया के अंदर जुलाई 2018 में। और यहाँ पर भारत के एक है मेजर जनरल विक्रम डोगरा, जो बने हैं फर्स्ट सर्विंग इंडियन आर्मी ऑफिसर, और यहाँ पर ये एकमात्र पूरे वर्ल्ड के जनरल है जिन्होंने ये चीज कंप्लीट की है और आयरन मैन कंपटीशन जो है वो जीती है, जो कैलिंगफर्ट ऑस्ट्रिया जुलाई 2018 के अंदर हुई थी। तो यहाँ पर भारत के लिए इतना बड़ा गर्व है जिसकी हम प्रशंसा करते हैं, और उन सभी उम्दा इंडिविजुअल्स को हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर द हिंदू एडिटोरियल शुरू होता है, ये है वो 5 एक्टिविस्ट जिनको अलग अलग राज्यों से 4 राज्य की पुलिस ने एडमिनिस्ट्रेशन ने हाथ मिला के इन चारों को जो है अरेस्ट किया है। तो पहले तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, सॉरी दोस्तों 4 नहीं है 5 है, इन 5ों को अरेस्ट किया है। ये वो 5 लोग है जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या फिर आपको माओइस्ट या फिर आपको एक्सट्रीमिस्ट या फिर आपको हो लेफ्ट लीनिंग पार्टीज, तो इन सभी पार्टीज को ये बिलोंग करते थे करते हैं। तो इन लोगों ने भारत के अंदर अभी जो सरकार चल रही है एनडीए लेड भारतीय जनता पार्टी की, तो उनके जो दो महत्वपूर्ण किरदार है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन लोगों को मारने के लिए बहुत ही गंभीर साजिश की है। तो इन साजिश की जो है मार्केट के अंदर जो है इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, और उस लीक की हुई इंफॉर्मेशन से इनके जो बैकग्राउंड से इसको तराशा जाता है, और इसके बैकग्राउंड के अंदर इनकी पास्ट हिस्ट्री को तराशा जाता है, जहां पर सामने आता है कि एक कांड हुआ था भीमा नामक प्लेस के ऊपर और कोरेगांव नामक प्लेस के ऊपर, जो पुणे से काफी नजदीक है, इसी साल के अंदर। तो यहाँ पर 200 साल से ये माओइस्ट जो है इस तरीके की एक्टिविटीज चला रहे हैं। तो पहले यहाँ पर इन्होंने जो कांड किए हैं वहां पर क्या हुआ और कैसे कैसे कांड थे उसके बारे में मैं आपको हल्की फुल्की इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर पब्लिक गैदरिंग करते हैं ये लोग, प्रवचन देते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, जैसे इनको लगता है कि अब पब्लिक जो है वो पूरा अपना फोकस यहाँ पर लगा के बैठी है, उस पॉइंट से ये लोग स्टार्ट करते हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी कहे, माओइस्ट एक्टिविटी कहे, उन सभी चीजों से नॉलेज जो है वो बरसाते हैं अपना, और लोगों के दिमाग के अंदर एक ब्रेन वॉश करते हैं, और लोगों को ये यकीन दिलाते हैं कि भारत के अंदर जो अभी माहौल है वो बहुत ही खराब है, सरकार है वो बेहद खराब है, लोगों का शोषण हो रहा है, ये प्रथा, ये चीजें, ये रीति रिवाज, ये कई सारी चीजें जो है ये गलत है, अगर इसको बदलना है तो हमें जो है सत्ता अपने हाथ में लेनी होगी। सत्ता अपने हाथ में लेने का जो मतलब है वो ये है कि या तो हम प्रचार करके जीतेंगे
या फिर जो है हम सर चढ़कर जीतेंगे। तो सर चढ़कर जीतने का इन्होंने जो है मार्ग जो है ट्राई किया और कई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्होंने जो है हाथ मिलाया। इवन ये लोग जो है अपने फायदे के लिए किसी भी दलित कम्युनिटी या फिर किसी भी समाज, सोसाइटी, एनवायरनमेंट, किसी भी चीज का फायदा लेके ये लोग ये सारी चीजें करते थे। तो इनके ऊपर कई अलग अलग तरीके के चार्जेस लगे हैं। पुणे पुलिस ने यहाँ पर इन लोगों पर सिडेशन, वैगिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड प्रमोटिंग डिसअफेक्शन अगेंस्ट स्टेट लेडली एंड इन कन्विक्शन जैसे चार्जेस इन लोगों के ऊपर लगाए हैं। अनलॉफुल एक्टिविटी और टेररिस्ट एक्ट जो है इनके ऊपर लागू हो सकता है। वायलेंस जो है इन्होंने बेहद किया है, इसके अंदर लोगों की जान पर भी बन पड़ी है, कुछ लोग ने यहाँ पर मृत्यु पर भाई थी। ये जो कांड हुए थे दो पुणे पुणे के आसपास की प्लेसेस के ऊपर, और ये जो माओइस्ट है इन सभी को तो अभी पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इनका जो टारगेट था वो था टारगेट हाई पॉलिटिकल फंक्शनरीज तक पहुंचना और भारत के अंदर एसेसिनेशन प्लॉट्स जो है इन्होंने डिस्कवर कर लिए थे कि मारना है अगर किसी को इंडिया के अंदर, कि इंडिया की आंख खुलानी है तो भारत के प्रधानमंत्री को मारिए, और उनका जो बैकबोन है अमित शाह, उनकी उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके चीफ, उनको मारिए ताकि आपको जो है जो प्राप्त करना है वो पॉसिबली प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर और एक पहलू देखने को मिला समाज में, अच्छाइयां है ये भी देखने को मिली। एक टाइम पर इनका साथ देने वाली कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ इंस्टीट्यूशन, कोई पार्टी जो है वो बाहर आके कहती है कि गलती से हम इन लोगों के साथ थे, लेकिन जैसे ही हमें इनके जो इनके व्यू पॉइंट है वो समझ में आए और इनके जो टारगेट है वो हमें पता चले तो हमने अपने आप को यहाँ से दूर कर लिया, और हम जो है आपको आके इन्फॉर्म करते हैं कि ये जो लोग है, जो कम्युनिस्ट जो एक्टिविस्ट है, ये समाज को एक गलत दिशा की ओर लेके जा रहे हैं और युवा पीढ़ी को जो है ये एक गुमराह करने वाली एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इस एडिटोरियल के अंदर इतना ही। आप अपने व्यू पॉइंट जो है वो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं रिगार्ड्स टू एक्टिविस्ट। बात करते हैं पावर सेक्टर के बारे में। तो पावर सेक्टर जो है ये भारत के अंदर एक बहुत ही बड़ा सेक्टर माना जाता है, इनके रिगार्डिंग फंडिंग्स भी बहुत ज्यादा लगते हैं। तो यहाँ पर द हिंदू एडिटोरियल का टाइटल ये है, पावर प्ले ऑन ट्रबल ऑफ द पावर सेक्टर। तो क्या हुआ है यहाँ पर, इसके ऊपर डिस्कशन शुरू करते हैं। अगर कोई भी कंपनी किसी भी तरीके की लोन लेती है तो उसके लिए कंपलसरी होता है लोन को रीपे करना। तो यहाँ पर कई सारी कंपनीज जो है अपने मंथली ईएमआई या फिर कहे इंस्टॉलमेंट्स को भूल जाया करती थी, पे नहीं कर पाती थी। इसके पीछे का रहस्य दिया करती थी कंपनीज कि पैसे कंप्लीटली हमारे पास नहीं आते, या फिर प्रॉफिट नहीं है, या फिर जो चेन है हमारी प्रोडक्शन लेके सेलिंग तक और उसके बाद पेमेंट आने की तो वो थोड़ी सी डिस्टर्ब है। तो ऐसी यहाँ पर जो दलीलें आया करती थी उसके रिगार्डिंग आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 12 फरवरी को एक नोटिफिकेशन जाहिर किया। अगर कोई कंपनी या फिर कोई बिजनेस एंटिटी अगर 180 दिनों के अंदर अपना रीपेमेंट जो है वो क्लियर आउट नहीं करती और रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स के मुताबिक नहीं चल पाती तो उनके लिए इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन लेके आया, उनको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पर मंडे को इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर जो है अपील की गई कुछ प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर के द्वारा, और यहाँ पर इंक्लूडेड थी 70 कंपनीज जिनकी टोटल लोन का अमाउंट है 3.8 लाख करोड़। उनमें से सिर्फ 24 ही ऐसी कंपनीज थी जिसका अगर आप टोटल निकाले तो 54% यहाँ पर पार्टिसिपेशन था, यानी कि 2.02 लाख करोड़ रुपीस का। उन सभी का नाम जो है बैंक को प्रस्तुत किया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA ने, और यहाँ पर पावर मिनिस्ट्री ने भी इनकी मदद की और कहा कि 39 गीगावाट्स का प्रोडक्शन ये लोग करेंगे, लेकिन अब जो है ये समस्या के अंदर है। लेक ऑफ कॉल का जो स्टॉक है इनके पास नहीं आ रहा है। दूसरा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट को ये लोग जो डिस्कॉम से अपनी पावर बेचते हैं वो पावर, वो इलेक्ट्रिसिटी हर्डल फेस कर रही है, और पावर सेक्टर जो है
ये अभी थोड़ा सा मंदा चल रहा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रिजर्वेशन मांगा गया, लेकिन कुछ बैंक ऐसी थी जिन्होंने रिजर्वेशन दिया भी, लेकिन यहां पर मुद्दा ये आ जाता है जब कोर्ट में चला जाता है ये मसला कि क्रेडिबल सॉल्यूशन या फिर क्रेडिबल रिजोल्यूशन लाया जाए ऐसे मसलों के लिए जहां पर फ्यूल सप्लाई से लेते हुए स्टेट डिस्कॉम फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी अराइज करता है कि पैसे नहीं आते तो बैंक को रीपे कैसे किया जाए। तो बात यहां पर यह है, ये कोई करंट इश्यू नहीं है, ये इश्यू चल रहा है यूपीए गवर्नमेंट की जो सेकंड टर्म की सरकार थी वहां से। तो भाई यूपीए जो है उस टाइम से चला आ रहा प्रॉब्लम, उन्होंने थोड़े से फैसिलिटीज इनको प्रोवाइड कराई थी, लेकिन एनडीए गवर्नमेंट जो है इन्होंने दूसरे तरीके से मदद कराई, जो कॉल ब्लॉक अलॉटमेंट है वहां पर इनको इन्होंने मदद कराई, उदय नाम की एक स्कीम लेके आए जिससे कि डिस्कॉम को फायदा मिले, स्टेट डिस्कॉम्स को। लेकिन यहां पर जो है 60% प्रॉब्लम जो आज भी प्रिवेल करता है। तो अब तक जो है यहां पर हाई कोर्ट यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है इंक्लूडेड थी, लेकिन अब जो है यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी शामिल होने वाली है, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकल के आएगा क्योंकि यहां पर आता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बीच में। तो यहां पर मेन टॉपिक ये है और क्वेश्चन भी ये है, अगर इस सेक्टर के लिए 54% जो पावर सेक्टर का यहां पर कंट्रीब्यूशन है 70 कंपनीज के बीच में, तो यहां पर अगर यहां पर आरबीआई देती है इन लोगों को कोई वेवर, तो इस वेवर का जो है बेस लेते हुए और भी कंपनीज और भी टाइम के अंदर आएगी और कहेगी कि चलिए हमें भी थोड़ा सा फायदा करवाइए। और यहां पर हमने टारगेट रखा है आरबीआई ने कि 2019 का जो ईयर है फाइनेंशियल ईयर ये कंप्लीट हो तब तक यहां पर एनपीए का टोटल जो है वो 10% से भी कम लेके आना है। तो ऐसे माहौल के अंदर अगर ऐसे वेवर्स दिए गए तो यहां पर एक बेंचमार्क क्रिएट हो जाएगा कि वेवर लेना ही चाहिए, नहीं मिलता है तो मांग लेना चाहिए, और अगर वेवर नहीं देते हैं और ऐसे स्ट्रिक्ट प्रोविजंस रखते हैं तो वेवर से या न वेवर न मिलने के कारण यहां पर जो है एक नया बेंचमार्क क्रिएट होगा कि चाहे कुछ भी हो आप अपने बिजनेस को और अपने बिजनेस के साथ कनेक्टेड सारी सर्टेनिटीज और अनसर्टेनिटीज को कवर अप करते हुए ऐसे लोन ले और ऐसे रीपेमेंट स्ट्रेटेजी बनाए कि आगे जाके आपको कभी भी आरबीआई का जो डकैत रूल है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन तो ये आपके ऊपर कभी ना आए, तो सीख मिलेगी और एंटायर इकोनॉमी जो इससे हर्ट हो रही है वो नहीं होगी। तो मैं यहां पर ये व्यू पॉइंट कहूंगा कि यहां पर किसी भी तरीके का वेवर नहीं मिलना चाहिए। आपके क्या व्यू पॉइंट है वो कमेंट सेक्शन में जल्दी से यहां पर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अब जो है एडिटोरियल खत्म हो गया है और ये है अंग्रेजी के 10 शब्द जो आपके राइटिंग स्किल्स एनहांस करेंगे, इंप्रूव करेंगे अगर आप इसको ऐसे राइटिंग और आंसर राइटिंग के अंदर यूज करेंगे। अगर आपको वीडियो कंटेंट एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, एक्सप्लेनेशन के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ जरूर से कमेंट करें, इस वीडियो को और इस चैनल को अपने नियर एंड डियर के साथ शेयर सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, बेल आइकन प्रेस करना बेहद जरूरी है ताकि कोई भी अपडेट जो है मिस ना हो पाए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।